वालेकुम व्यूअर्स माय नेम इज़ डॉक्टर इब्तान एंड आई एम वर्किंग एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट फ्रॉम द लास्ट सेवन इयर्स आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फार्मेसी या मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैसे हासिल किया जाता है इसको रिन्यू कैसे करवाया जाता है क्वालिफाइड पर्सन कैसे चेंज करवाया जाता है इन सब चीज़ों के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं जी तो व्यूअर्स इसके लिए वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आ, सेलेक्ट की है दैट इज़ ई सर्विसज़ डैश सी डी एस एल डॉट पी एस हेल्थ डॉट जी ओ वी डॉट पी के आपको स्क्रीन पे साथ साथ नज़र आ रहा होगा इस वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है और पहला ही ऑप्शन इस पर जो आपके सामने है उस पर आपने एंटर हो जाना है अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो इसमें साइनअप के लिए आपकी दो रिक्वायरमेंट्स होंगी फर्स्ट इज़ योर सी एन आई सी नंबर एंड सेकेंड इज़ योर एक्टिव कॉन्टेक्ट नंबर सो इस तरह का पेज एक आपके सामने ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही ये पेज ओपन होगा आफ्टर साइन अप आप इसको लॉग इन करें लॉगिन करने के बाद आपके पास इसमें सारी डिटेल्स आ जाएगी रिगार्डिंग लाइसेंसिंग ऑफ फार्मेसी और मेडिकल स्टोर और एनीथिंग रिगार्डिंग टू लाइसेंसिंग तो सबसे पहले आपको मैं एप्लीकेशंस पे लेके जाऊंगा इसमें आप जो एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं ये सामने आपके एक नोट आ रहा होगा इस नोट में इन्होंने मेंशन किया है कि फार्मेसी काउंसिल का जो लाइसेंस है फार्मेसी से रिलेटेड वो अब फाइव इयर्स के लिए बनता है जबकि पहले वो दो साल के लिए बनता था और अब इसकी जो फ़ी है टोटल फॉर द फाइव ईयर दैट इज़ सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज़ आपको पाँच साल बाद रिन्यू करवाना होगा जो कि पहले दो साल बाद करवाते थे इसको आप सिंपल कट कर देंगे अब आपके पास डिफरेंट डिटेल आ रही है नीचे जिसमें फ़र्स्ट पॉइंट में आपको नज़र आ रहा होगा एप्लीकेशन फॉर न्यू ड्रग लाइसेंस इसके लिए आपको फॉर्म एट ए चाहिए होता है फॉर्मेसी के लिए और एट बी आपको चाहिए होता है मेडिकल स्टोर के लिए इसी तरह अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको फॉर्म एट सी चाहिए होगा सेकेंड इसमें जो स्टेप है वो इन्हीं सारी चीज़ों की रिन्यूअल है लाइक like फॉर्मेसी के लाइसेंस की रिन्यूअल मेडिकल स्टोर के और डिस्ट्रीब्यूटर के लाइसेंस की रिन्यूअल और सेकेंड uh, इसमें जो एक एक्स्ट्रा uh, चीज़ है दैट इज़ फॉर्म एट ये डिस्पेंसर के लिए है और फॉर्म ट्वेंटी और ट्वेंटी वन दैट इज़ फॉर होल सेलर अगर आपने अपने पहले से एग्जिस्टिंग लाइसेंस में कोई चेंजेस uh, करनी है तो उसके लिए आपका ये थर्ड पॉइंट है उसमें आप रिन्यूअल भी करवा सकते हैं अपने फार्मेसी का नाम भी चेंज कर सकते हैं चेंज ऑफ क्वालिफाइड पर्सन भी कर सकते हैं चेंज ऑफ एड्रेस चेंज ऑफ गोडाउन ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और एट द लास्ट जनरल अप्लीकेशन इसमें आप कैंसिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डी यहीं से ऑनलाइन कर सकते हैं और आप अपना क्वालिफाइड पर्सन यहीं से रिलीज़ करेंगे और यहीं से ऐड करेंगे ये सारी जो अथॉरिटीज़ हैं सिर्फ प्रोपराइटर के पास हैं ना कि फार्मासिस्ट के पास तो ऑनर एंड से ये सारी चीज़ें होंगी सो so, uh, मैंने एक एप्लीकेशन जो है रिन्यूअल ऑफ ड्रग सेल लाइसेंस उसके लिए अप्लाई किया हुआ है सेम प्रोसेस फ़ॉर द न्यू लाइसेंस है और सेम प्रोसेस फॉर द र्यूल है अब हम चलते हैं उस एप्लीकेशन की तरफ जिसमें आपको सारी रिक्वायरमेंट पता चलेंगी इसके लिए आपको दोबारा इन तीन डॉट्स पे क्लिक करना होगा और एप्लीकेशन में जाके माई एप्लीकेशन में जाएंगे आप तो ये मेरी एप्लीकेशन हैं जो मैंने अभी तक ड्राइव से काम किया तो इसको हम ओपन करते हैं जी तो व्यूअर्स ये आपके सामने डिटेल आ गई ये वो एप्लीकेशन है जो मैंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया हुआ है ये आप देख सकते हैं ये पर्सनल डिटेल्स हैं सारी फॉर्मेसी की आ, आउटलेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाए रेंट डीड आ जाएगी सेकंड पे आपका फी चलान होगा फी चलान सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज़ का नेशनल बैंक में सबमिट होगा उसके बाद आपका फॉर्म एट ए आ जाएगा जो कि रिन्यूअल ऑफ फॉर्मेसी लाइसेंस के लिए है आ, न्यू लाइसेंस के लिए भी यही फॉर्म होता है और प्रोसेस भी सारा सेम होता है रिक्वायरमेंट भी सारी इसकी सेम होंगी आपके एयर कंडीशन की पिक्चर आ जाएगी आपके रेफ्रिजरेटर की इमेज आ जाएगी आपके रैक्स आ जाएंगे या शेल्फ जो भी और ये साइन बोर्ड है एक ग्रीन बैकग्राउंड के साथ इसका साइज जो है वो फाइव बाई टू होता है और इस पर वाइट राइटिंग से लिखा जाता है इस साइन बोर्ड की पिक्चर आ गई और आपकी एक पिक्चर लास्ट पे आ गई ओल्ड कंप्यूटराइज्ड ड्रग सेल लाइसेंस की इससे नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएंगे तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो प्रोप के डॉक्यूमेंट हैं जो आपने अपलोड करने होंगे आ, आपके सामने है प्रोफाइल फोटो है सी सी की फ्रंट और बैक है और एफिडेविट है नेक्स्ट आपने क्वालिफाइड पर्सन जो भी आपका क्वालिफाइड पर्सन है उसकी कैटेगरी ए रिन्यूअल, उसकी प्रोफाइल पिक्चर आईडी कार्ड की कॉपी फ्रंट और बैक से और सेवन फिफ्टी रुपीज़ का ड्राफ्ट आपने ने नेशनल बैंक में जमा कराना है इन द अकाउंट ऑफ सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल जो कि उन क्वालिफाइड पर्सन की वेरिफिकेशन के लिए होगा और इसी तरह एफिडेविट e. जिस तरह प्रोपराइटर का था उसी तरह क्वालिफाइड पर्सन का एफिडेविट e. आ जाएगा अब इसमें आप रिमार्क्स लास्ट इसमें जो आपको डिटेल नजर आ रही है द, दो रिमार्क्स फ्राम ड्रैप ऑफिस तो अभी तक जो मेरी एप्लीकेशन है वो फार्मेसी काउंसिल रिव्यू कर रही है यानी कि जो मेरे क्वालिफाइड पर्सन हैं उनकी कैटेगरी रिव्यू की जा रही है ओके सो so, ये तो थी जो मैंने अप्लाई की हुई एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिखाया कि आप जब अप्लाई कर देते हैं तो आपकी क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कैसे आप देख सकते हैं कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है इसके बाद चलते हैं न्यू एप्लीकेशन पे अप्लाई एप्लीकेशन पे आपने जाना है और फॉर्मेसी या मेडिकल स्टोर के लिए जो भी आपने करना है अभी हम एज एन एग्जांपल फार्मेसी को लेंगे तो आपने क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन करनी है इसमें आपको सिक्स स्टेप्स नज़र आ रहे होंगे पहला स्टेप जो है उसमें आपने आउटलेट की सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है उसमें आपका नाम आ जाएगा आउटलेट का एड्रेस आ जाएगा जो डिवीजन है एड्रेस में ही आ जाएंगी ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी लीज्ड है या आप ऑनर हैं प्रॉपर्टी के उसकी लोकेशन क्या है गूगल मैप से करके आपने सारा सेव कर देना जब आप इसको सेव कर देंगे क्योंकि मैं ये करना नहीं चाह रहा उसके बाद प्रोपराइटर की सारी डिटेल आएंगी इसके सेकंड स्टेप में जो आपके सामने नज़र आ रहा है तो प्रोपराइटर डिटेल में आपने प्रोपराइटर का आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक उसका एफिडेविट उसकी प्रोफाइल फोटो ये चीज़ें आपने अपलोड करनी है सेम इसी तरह क्वालिफाइड पर्सन की जो डिटेल है इसमें आपने क्वालिफाइड uh, पर्सन की प्रोफाइल फ़ोटो उसका आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक और उसका एफिडेविट और उसकी कैटेगरी ओरिजिनल और उसकी रिन्यूअल कैटेगरी की बेहतर होगा कि ये सारी चीज़ें पीडीएफ या जेपीजी फाइल में हों अगर लेकिन सिंपल फ़ोटो आप फ़ोन से खींच के उसको भी अपलोड कर देते हैं तो वो भी चल जाएगा लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप उसको प्रॉपरली स्कैन करके पीडीएफ में सारी डॉक्यूमेंटेशन करें और फिर अपलोड करें थ्रू पीसी थर्ड पे आपका क्वालिफाइड पर्सन आपने डिटेल ऐड कर दी उसके बाद फोर्थ स्टेप आपका आ जाता है डाउनलोड्स का आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके स्टाम है या कुछ भी है वो सारा फॉर्मेट आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है वो आप किसी भी और फॉर्मेट पे नहीं करेंगे आपका जो फ़ी चलान है वो भी आपने वेबसाइट से डाउनलोड करना है आपका क्वालिफाइड पर्सन का जो फ़ी है सेवन फिफ्टी रुपीज़ का ड्राफ्ट वो भी आपने वेबसाइट से डाउनलोड करना है इसी तरह जो फॉर्म एट ए है एप्लीकेशन फॉर्म वो भी आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और उन सारी चीज़ों को आप फ़िल करने के बाद उसमें से मेजोरिटी तो पहले से ही फ़िल होगा लेकिन उन सबको फ़िल करने के बाद आप अपलोड कर देंगे एज़ इट इज़ उन सारी चीज़ों को औरिजनल को उस पर आप ख्याल रखिएगा कि आपके सारे साइंस और आपकी रिसीप्ट उनकी डेट्स हर चीज़ एग्जैक्ट हो जब आप अपलोड कर देंगे तो लास्ट स्टेप इज ऑफ डेक्लेशन डेक्लेशन में आपने सिर्फ कहना है कि आप एक बॉक्स चेक करना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड दैट इज़ ट्रू उसके बाद फिर वो विंडो आ जाएगी जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाई थी सो इस तरह आपने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है और वेट करना है फॉर द 40 टू 60 डेज़ इसमें आपके 15 दिन तकरीबन लग जाएंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ पंजाब में आपके जो क्वालिफाइड पर्सन है उनकी कैटेगरी की चेकिंग हो रही होगी उसमें उसमें वो वेरिफिकेशन करेंगे उसके बाद आपका केस ट्रैप ऑफिस में जाएगा ड्रग कंट्रोलर के पास और फिर आपकी इंस्पेक्शन होगी और आपका लाइसेंस आते आते या आपका लाइसेंस रीन्यू होते होते आलमोस्ट टू मंथ्स जो है ये ले जाते हैं ड्रैप ऑफिस वाले जी तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन है किसी भी चीज़ की आपको अगर इसमें समझ नहीं आई तो आप कॉमेंट सेक्शन में आ, पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़